गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पोएम नंबर 19, तोता और इंद्र, इसके कुछ पार्ट हमने कल देखे थे, आज हम देखें इसके कुछ पार्ट। एक प्रकार से तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनोहर, जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था वह यह बलशाली, यही था इस वन की शोभा भाग्य अति गौरवशाली। विद्यार्थी मित्रों, इसके हम इसका भावार्थ देखें तो तोता ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग है, सबसे अच्छा सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला नहीं, आकर्षित करने वाला। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी है। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी, यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता है। अब इसके आज जाके देखें हम नेक्स्ट लाइन जो है उसकी लाइनें देखें। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था, महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था, मैं जन्मा है हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखें, यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था, इन सबका इसी पेड़ पर बसेरा था, बसेरा इवेंट्स यानी सभी आके यहाँ पर ठहरते थे। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, बदसूरत यानी कुरूप, पर पहले इसकी शोभा निराली थी, मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी, जब मेरा जन्म हुआ जब इसकी शोभा निराली थी, बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसीलिए इसकी डाली डाली मुझे अपने जान से भी प्यारी है, इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला, बचपन से ले करके अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसकी सुख दुख का सच्चा साथी पाया। इन पंक्तियों का अर्थ हम देखें तो इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना, यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना मुस्कुराना और उड़ना सीखा था, यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है, मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। यानी एक प्रकार से तोते की अंदर का आत्मा से ये जाहिर किया कि सुख दुख में भी काम आया है। विद्यार्थी मित्रों, हमने कुछ पार्ट आज देखे भावार्थ के, कल इससे आगे देखेंगे। इस प्रकार से हमें हर एक पोएम हर एक लेसन को संभालना है, पढ़ना है, और हर एक लेसन को क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे ग्रामर सेक्शन हो, चाहे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हो, सभी प्रकार के प्रश्नों को हमें पढ़ना है, तैयार करना है, तो ही हमें एक अच्छा परिणाम ला सकते हैं। कहीं भी आपको कोई परेशानी है तो मेरा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।